देख ले भाई लोग, ये वही पत्थर है जो ख्वाजा साहब पे जोगी जयपाल ने फेंका था और ख्वाजा साहब ने इसको कलमे की एक उंगली से रोक दिया था। ये वही पत्थर है, लेकिन हाँ इस पत्थर पे बहुत सी चीजें हो रही हैं जो मुझे तो देख के अच्छा नहीं लगा। इस पत्थर को लोग चूम रहे हैं, माथा टेक रहे हैं इस पे, और ये मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। ये पत्थर ख्वाजा साहब ने रोका था एक उंगली से, अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अलावा ये व्यूज देख ले, व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ से। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है देखने में, और यहाँ से पूरा आपको यहाँ से पूरा अजमेर दिखाई देता है। और रहा ये पत्थर, इस पत्थर पे बहुत से लोग देखो माथा टोक रहे हैं, माथा चूम रहे हैं। ये मैं हूँ, मैं देखो दिखा रहा हूँ आपको, ये पत्थर एकदम हवा में लटका हुआ है। और ये देखो नीचे भी, देखो नीचे भी कोई सपोर्ट नहीं है इसका, इस पर और ये हवा में लटका हुआ है। ये देखते हुए अच्छा लगता है, ये जैसे ये लोग चूम रहे हैं, ये मुझे चूमते हुए लोगों को अच्छा नहीं लगा। भाई लोग अगर अजमेर जाते हैं तो पत्थर को चूमने की बजाय ख्वाजा साहब की दरगाह पे जाएं, दरगाह पे जाके उनके कदम पोसी करें, उनकी चौखट को चूम लें, दरगाह पे दुआ पढ़ें, वो अच्छा लगता है। लेकिन ये पत्थर चूमना ये अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ये देखो ख्वाजा साहब ने ऐसे रोका है, ये बिल्कुल हवा में अटका हुआ है, एकदम हवा में अटका हुआ है। ये देखो लोग चूम रहे हैं, ये मुझे पता ही अच्छा नहीं लगा। इस पत्थर को चूमना तो बेकार है, जाए ख्वाजा साहब की दरगाह को चूमने जाए। दोस्तों, अगर आप अजमेर जाएँ तो मेरी एक बात को याद रखना, आप पत्थर को देखने जाएँ तो बेहतर है, अच्छा है पत्थर को देखें जाके, और पैदल वाले रास्ते पे आपको मिलेगा। और इसको चूमे वगैरह ना, अगर चूमना है तो ख्वाजा साहब की दरगाह पे चले जाएं, दरगाह पे जाके कदम पोसी करें, फाता पढ़ें, जो भी दुआएं मांगनी है वो मांगें, देने वाला अल्लाह है और ख्वाजा साहब जो हैं वो हमारी उम्मीद हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे बता दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियो है आने वाली वो आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।